أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبد الله شاه لشت غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید موت ہر کسی کے ساتھ ہے ہر نفس کو موت آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ऐसा कोई भी नहीं बचा कि जिसको मौत नहीं आई और ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसको मौत ना आए। जिनके घर में विसाल होता है, जिनके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, उनके घर वालों को चाहिए कि सबसे पहले जिसका इंतकाल हो गया है, अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है, उनके जूते, उनके सैंडल, उनके कपड़े, उनके जोड़े, उनकी बरतने वाली तमाम एक्सक्लूसिव उनसे वाबस्ता चीज़ें अल्लाह की राह में मुस्तहकीन को ड्राई क्लीन करा कर साफ सफाई से तय करके गिफ्ट करके हदिया कर दें। मैं अपनी इस बात को जवाब इस तरह आपके सामने हदिया करूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बड़ा परेशान देखा, और जब उनके पेरेंट्स ख्वाब में आए तो उन्होंने आकर उनसे ये, उनके बच्चों ने मुझसे कहा कि हम सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, हम न्याज भी करते हैं, अल्लाह की राह में देते भी, लेकिन हमारे माँ बाप परेशान हैं। मैंने कहा क्या वो नमाजी थे? उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ते थे। अब ये भी जवाब मिल गया मुझे। मैंने कहा उन्होंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया था? उन्होंने कहा अगर ऐसा था तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी दानिश में नहीं। फिर मैंने आखिर में उनसे पूछा क्या उनके बरते हुए कपड़े अभी तक आपके पास हैं? उन्होंने कहा जी हमने निशानी के तौर पर उनका हर जोड़ा उनकी शादी से लेकर अब तक का संभाल के रखा है। मैंने कहा हजरत भाई बहन उनके सारे कपड़े निकालें, हर साइज के, हर उसके जो आपने प्रिजर्व करके रखें, और वो मदरसे में या यतीम खाने में या अल्लाह की राह में मुस्तहकीन को जाके इज्जत से, तौकीर से, ताजीम से ड्राई क्लीन कराकर बहुत रिस्पेक्टफुली हदिया कर दें। सिर्फ एक अदद निशानी के तौर पर एक जोड़ा अपनी मोहब्बत की वजह से अपने पास रख लें, क्योंकि बेटियां और बेटे दोनों ही माँ बाप को बढ़कर चाहते हैं। मैंने तो बेटियों को ज़्यादा देखा है चाहते हुए, बेटे भी होते हैं लेकिन बेटियां ज़्यादा चाहती हैं माँ बाप को। बहरहाल लेकिन एक जोड़ा तबर्रुकन आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी अपने गुजर जाने वालों के कपड़े अल्लाह की राह में हदिया कर दें। जब उन्होंने इस तरह से किया तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो ख्वाब में आए और वो खुश थे, और फिर बाकायदा उनके बच्चों ने आकर मुझे फिर बताया कि अब वो अपने पेरेंट्स को बहुत खुश खुर्रम देखते हैं। तो अगर आप अपने वालदैन को ख्वाब में देखते हैं तो जिन बातों को आपने कंसिडर करना है, अगर अपने वालदैन को परेशान देखा है तो सदका न्याज दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी मंथली फिक्स कर लें। आप अगर आप कराची में नहीं, अपने शहर के सैयद के दरबार जाएं, उनकी बारगाह से जो दुआ ऊपर जाएगी रॉकेट की स्पीड से, वो हमारी आपकी नहीं जाएगी। वहाँ जाएं, अदब से सलाम करें, सलाम अर्ज करके वहाँ तमाम लोगों में न्याज हदियतन तकसीम करें, इंशाल्लाह उसकी फातिहा पढ़ें, अल्लाह के हुजूर उन साहिब मज़ार को सवाब पहुँचा कर उसका हदिया अपने वालदैन को पहुँचाएँ। हर महीना आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए, साल में दो बार तीन बार उनके साइज के जोड़े किसी को हदिया कर दें। इन तमाम चीज़ों के बाद आप जिस चीज़ को कंसिडर करें वो ये कि आपके घर में उनके कोई पुराने कपड़े मौजूद नहीं होने चाहिए। जब तक वो आपके पास मौजूद रहेंगे वो अजियत और तकलीफ में रहेंगे, वो अल्लाह की राह में हदिया हो जाना चाहिए। लोग उसको बरतें, इस्तेमाल करें, इसका सदका अजर सवाब आपके गुजरे हुओं को, वालदैन को पहुँचता रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आले मुहम्मदिन। अल्लाह हाफिज़ या गाज़ी।